नहीं है कोई टक्कर में, क्यू पर रहे हो टक्कर में। सभी दोस्तों को ऋषि पालदून का नमस्कार। और आज हम पहुंचे कैप्टन के पास और कैप्टन साहब अपनी पूरी टीम के साथ थोड़ा दूर तो आपका स्वागत है कैप्टन साहब। कैप्टन साहब जोलाने में तो पूरे गड्ढे खुदे हुए, क्या कैप्टन साहब इन गड्ढों को मुंड पाएंगे? मैं देखेंगे गड्ढे बहुत तरीके के हैं और उन गड्ढे को जो भरने का तरीका भी हमने निकाल लिया है। और इस बार मैं अकेले की बात नहीं कर रहा, मैं पूरा का पूरा जोलाना लेकिन गड्ढों को इस तरह से भर देगा कि आने वाले भविष्य के अंदर गड्ढे पे कभी बात भी नहीं होगी। एक आपके कार्यकर्ताओं पे हमले हो रहे हैं, वार्निंग बोली जा रही है। वो छोटी सी छोटी मानसिकता वाले कुछ लोग होते हैं जो स्पेशली दलित समाज को टारगेट कर रहे हैं, कभी जो है कि किसी के सर पे जो है कि बोतल मार रहे हैं, कभी किसी के घर जाकर जो प्रोग्राम कर रहे हैं उनके साथ में छेड़खानी कर रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं, कभी जो है कि उनको उठवाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी घर में जा करके सीधा ये बोल रहे हैं कि भाई तुम हमारे खेतों में आके दिखाओ तुम्हें गाँव में रहना है कि नहीं रहना है, इस तरीके से मानसिक दबाव डाल रहे हैं। तो मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि भाई थारी जो एक ही स्थिति बड़जमा कमजोर है, तुम इंसानियत पे ही नहीं टिक पा रहे, तुम समाज के कल्याण और भलाई किस तरह से करेंगे? और आपके चैनल के माध्यम से मैं यह कहना भी चाहता हूँ भाई इनकी मानसिकता देख लियो और संभाल कर लेना, जो भाईचारे के साथ में अब तक नहीं जुड़ सकता तो आगे तुम्हारा के समाज का कल्याण करेंगे। मैं अगर अपने हरियाणा की बात करूँ जमा कोई किसान नाराज नहीं है, जमा खुश है और हर तरीके से उनको जो है कि सुविधा मिल रही है। आज 24 फसलों पे MSP मिल रही है और ये पूरे हरियाणा में, हरियाणा की क्लिनिक में पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जहाँ, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ जो है MSP मिल रही हो। इकलौता हरियाणा वो है जो सबसे पहले है। और रही बात है कि बाकी के और भी स्टेट हैं जहाँ कांग्रेस रूल कर रही है, कर्नाटक में भी कर देती है अगर वो इतनी देसी है किसानों को लेकर के, और भी बहुत सारी जगह जो है पश्चिम बंगाल है उड़ा क्यों नहीं कर देते हैं, तो बहुत सारी चीजें। ये तो सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है, बेकार में जो है कि टांग खींचने वाला सोता है। और जितने भी मैंने देखा है, जितने भी वाकई में जो किसान भाई है वो अपना खेती बाड़ी से अपना घर परिवार के और भाईचारे के साथ में रह रहे हैं। और एक वीडियो और मेरे संज्ञान में आई है, कोई नेता है और विपक्ष का नेता है तो वो सारे के सारे बौखला रहे हैं। किसी ने कोई वीडियो सोशल मीडिया पे डाल रहा है, वो पता नहीं गाड़ी घोड़े को लेकर के कोई बातचीत कह रहा है कि भाई उसने ये कर दिया, मेरे को गाड़ी नहीं दी है, बोलने लग रहा है भाई मेरा नाम भी यूज कर रहा है जबकि मैं उसको जानता तक कोई नाम। और रही बात है गाड़ी घोड़े का, आज तक जुलाना विधानसभा में जितने भी भाई हमारे सहयोगी हैं कोई भी गाड़ी घोड़े को लेकर के ना तो मेरी तरफ से कोई मना करी गई है, ना ही जो है कि किसी सहयोगी ने कोई मना करी है। ये इस लेवल पे आ चुके हैं कि कहते हैं ना कि नीच से नीच हरकत करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। भाई उनकी मानसिकता उनके साथ में, और मैं तो ऊपर वाले में थोड़ा सा विश्वास रखता हूँ कि भगवान उनको जो कि बहुत जल्दी सद्बुद्धि दे। और वह जो भाई है जो सोशल मीडिया पे ये बात कह रहा है, अरे आप खूब देख रहे हैं उसकी आंखों में आंखें अपना समझ में जाएगा, दारू बिठा करके नशे के अंदर वह वीडियो भी बना रहा है। अरे भाई इन बातों पर ध्यान ना दे देना, तारा भाई हूँ तारा बेटा हूँ, सोच समझ के बात करता हूँ। भाई कैप्टन योगेश, भाई ने बहुत बड़ी बात कह दी, कर्नाटक में जो है कांग्रेस की सरकार है और वहाँ 1200 किसानों ने आत्महत्या कर ली, मोदी साहब ने 6000 रुपये पेंशन करी साल की तब जाके आत्महत्या रुकी है। कैप्टन साहब जुलाना में आपका मुकाबला किस पार्टी से हुआ? जुलाना में देखो सीधी सी बात है, मेरा मुकाबला किसी से भी नहीं है, क्योंकि मुकाबला इसलिए नहीं है कि तो इलेक्शन है दिल जीतने वाला, जो आप जीत चुके हैं, लोगों के रुझान इतने बढ़िया बन चुके हैं, सब भाजपा परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मेरे सामने अगर मैं अगर राजनीतिक दल की बात करूं, गणेश फोगाट भी है, उतना ही मजबूत जो है सुरेंद्र लाखड़ भी है, और उतना ही मजबूत कविता दलाल भी है, उतना ही मजबूत जो है कि अमरजीत डांडा भी है। मैंने न्यू बता दे कौन सा कम है, अमरजीत डांडा पहले विधायक रह लिया है, जैसी गणेश फोगाट मेरी बहन जो है कि रेसलर है, इसी ही जो है कि विदेशों में जो है कि देश को जो है रिप्रेजेंट करा कविता दलाल भी है, और ऐसे ही जो है कि समाज कल्याण के लिए काम कहीं ना कहीं जो है कि हमारे GST इंस्पेक्टर जो है कि सुरेंद्र लाठर है। तो यह कोई ना है कि भाई एक ही बंदा है, सारे के सारे एक से बढ़ के एक है, रुझान भी जो है कि आप देख ही रहे हल्के में किसके बढ़ रहे हैं किसके घट रहे हैं, तो एक नाम कोई ना है। सुरेंद्र लाठर का भी इलेक्शन मजबूत है, सभी का इलेक्शन मजबूत है, अपना BJP का तो सही से, और इस बार जो है कि BJP जीत रही है। क्या नाम है जी? शर्मा जी, महामंत्री कैरी करिए। देखो जी, हमारे पहले तो आपने बताया विधानसभा में कहते हैं बीजेपी के
कार्यकर्ता नाराज है, कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं, आपने हमारा मुद्दे में चिंता तो सारे हमारे जो कार्यकर्ता पढ़ाने गए सभी इकट्ठे हैं और हमारा पार्टी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, पार्टी को हमारी 100% जिताने की ताकत पूरी लगाएंगे। शर्मा जी, हाँ जी, कुछ बीजेपी से टूट कर कांग्रेस में कार्य हो जैसे धर्मेंद्र शर्मा, धर्मेंद्र शर्मा का तो पार्टी में टूटा है, काम बदलना है उसका काम, अभी सांसद प्रतिनिधि पंडित रमेश कौशिक के साथ था, कौशिक गए तो वो भी गया, बाकी हमारे पार्टी कार्यकर्ता कोई नहीं गया, अभी से सारे पार्टी कार्यकर्ता पुराने नरेंद्र में पड़े। क्या नाम है भाई? दलवीर सिंह जी। कहाँ से हो? गांव पटाना है। पटाना जी, दलवीर सिंह जी, क्या किसानों का भला कर पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का ही नहीं बल्कि हर वर्ग का भला किया है, जैसे किसान सम्मान निधि योजना है 6,000 रुपए देकर के भी मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, किसानों को सहूलियत मिल रही है। और आप देखे जाओ तो कांग्रेस सरकार में यूरिया बदल लाइन ला गया दी और यूरिया मिला नहीं करा था, और आज भारतीय जनता पार्टी में घर घर यूरिया पड़ा, बेशक ठा कर लिया किसान ने न्यू वो कोनी तक भाई आज तेरा यूरिया खत्म हो गया या आज तेरा DAP खत्म हो गया, तन्ने खाद नहीं मिलेगा, जो पड़ोस में दुकान है ना उस पर भी पूरा स्टॉक रहा है।